दामन में एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम का मकसद ये था कि आज हिंदुस्तान में जो अदम रवादारी का माहौल चल रहा है, खुसूसकर खौतिन के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, और इन जुल्म ज़्यादतियों में बरसर अख्तदार बीजेपी के MLA मिनिस्टर और उनका कैडर मुलविस हो रहा है, ये हमारे मुल्क के लिए एक तशवीशनाक बात है। अगर हम ऐसे टाइम पर कानून बैठेंगे तो यकीनन हमारा मुल्क भी सोमालिया की तरह तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम तमाम मुतहद होकर SC ST BC मुस्लिम इसके खिलाफ में यहाँ पर एक एहतजाजी प्रोग्राम रखे हैं। हमारे प्रोग्राम के लिए हमारे साजिदा मैडम जो SC ST BC मुस्लिम फ्रंट के कन्वीनर है, उन्हें बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर SC ST BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से आसिफा के एहतजाजी मुजाहरा मुनज़िम किया गया। ये बहुत काबिल तारीफ है क्योंकि हमारे देश को आज़ादी आकर 70 साल के करीब होने जा रहा, मगर ख़वातीन की हिफाजत नहीं हो रही है। ख़वातीन के जो कानून बनाए जा रहे हैं उसको देखकर ही खुश होना है, मगर ख़वातीन की हिफाजत प्रोटेक्शन नहीं है। हम रियासती और मरकजी हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि रियासती हुकूमत में शी टीम के तरीके से ख़वातीन को महफूज रखा जा रहा है। जहाँ जहाँ भी महफूज हैं वो अल्लाह की देन है समझ रहे हैं, उसी तरीके से वही टीमों का इनेकाद हर स्टेट में कराया जाए तो ख़वातीन महफूज रह सकते हैं। लिहाजा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ख़वातीन जो इज्जत समाज ख़वातीन की इज्जत नहीं कर सकता, वो समाज को जीने का हक नहीं है। लिहाजा ये हम तमाम बरादरी के भाई और बहनों से भी अपील कर रहे हैं कि हम इकट्ठा होने का है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम ऐसी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जब हम बुलबुले हैं और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान में हमारे ये हिंदुस्तान को किसकी नज़र लगी, ये हमारे स्टेटों में क्या हो रहा है। हम रोटी कपड़ा मकान बेरोजगारी दूर करना है, हुकूमतों का मुतालिबा करना है, मगर ये बेकारी में ये काम कर रहे हैं, न खुशी में कर रहे हैं। औरतों के साथ जुल्म करना, उनके असमत रेजी करना, और माँ बहनों को ख़त्म करना तुम्हारा प्लान है तो हमारा भी प्लान है। टंकिया की चोट पे हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा हम सर्वनाश कर देंगे। जब तक हम नहीं सोएंगे तुम्हें फांसियों की सजा नहीं दी जाएगी। जब विदेश में यानी मुस्लिम ममालिक में वहाँ पर कैसा इंसाफ किया जा रहा है, उनके गले काट दे रहे हैं, फांसी दी जा रही है, वैसे कानून बने तक हम हुकूमतों से मुतालिबा करते रहेंगे। और आसिफा के खातिलों को भी सजाए मौत दिले तक, फांसी दिला तक हम नहीं रहेंगे। लिहाजा हमारी यही कोशिश कामयाब करने में अल्लाह से हमारी यही दुआ है, और मीडिया फ्रेंड से भी और पुलिस ब्रदर से भी हमारी अपील है कि हमारे आज इतने अच्छे एहतजाजी धरने मुनासिब किए हैं, रैलियाँ, ये हुकूमतों के आँखें खुल चुके हैं। आप लोगों के सपोर्ट से आज हमारी हिफाजत हो रही है, तो हम आप लोगों का भी शुक्रिया कर रहे हैं। ये SC ST BC माइनॉरिटी फ्रंट से जो कोशिश की जा रही है, इसमें तमाम मजहब के बरादरी के भाइयों को मदद किए हैं और तमाम पार्टियों के लीडर भी यहाँ शरीक हुए हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। लिहाजा ये रोज माँ एक चार मीनार दकेरा SC ST BC मुस्लिम फ्रंट नीचे ये रोज धरना प्रदर्शन आसिफा कोसम चेयर सरकी काबट्टी धरना कार्यक्रम మాకు పోలీస్ కానీ ప్రెస్ మిత్రులు కానీ మంచిగా సహకరించిండ్రు. ఈ యొక్క ధర్నాకి సక్సెస్ఫుల్ అనుకుంటున్నాము, ఎందుకంటే మీ అందరి సహకారం ఉంటేనే మేము మహిళలు సేఫ్టీగా ఉంటాము. మీకోసమే మేము బయట తిరుగుతామంటే కూడా ఎవరన్నా అన్న తమ్ముడు భర్త కొడుకు మహిళలకు వెంట ఉండాలి కాబట్టి అట్లాంటిది మీరే మాకు అన్నలు, మీరే మాకు తమ్ముళ్ళు, మా SC ST ముస్లిం ఫ్రెండ్ మాకు సోదరులు అని కూడా మేము భావిస్తున్నాము. దేవుడు ఆసిఫా యొక్క హంతకులను ఉరి దీక్షిష్ట చేసి ఇచ్చే వరకు పోరాడతాము. మరి సెంట్రల్లో శృతి ఇరానీ, సుష్మా స్వరాజ్ శృతి ఇరానీ, మన్మోహన్ సింగ్ సర్కార్ ఉన్నప్పుడు గాజులు గిఫ్ట్ చేసినావు అమ్మా, అప్పుడు గాజులు గిఫ్ట్ చేసినావు మా ఆసిఫా బిడ్డ కోసము. ఇట్లాంటి గాజులు మీ యొక్క మోదీకి మేము గిఫ్ట్ చేసుకుంటాం. ఈ గాజులు ఆడవట్ల కొడుకున్నారా, గాజులు వేసుకొని కూర్చోండి. మా పిల్లలు అసలు మారుతుంటే, మా బిడ్డలు చనిపోతుంటే, మా ఆడవాళ్ళు ఆ మానభంగాలకు గురి అయిపోతుంటే మీకు నిద్ర ఎలా వస్తుంది, మీకు ఎట్లా ఆకలి అవుతుంది, మీరు ఎట్లా దూపు అవుతుంది, మీరు ఇంకా ఎంత
अब्बू संपादित भारतीय डला।